माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, सच है सच। पर जन्नत से कहाँ से गुजरते हैं दरवाजे से, कहाँ से गुजरते हैं? जामे तिर्मिज़ी उठाकर देखो, जामे तिर्मिज़ी में मेरे नबी की हदीस है, आल अलम वाबो आला, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जामे तिर्मिज़ी शरीफ के अंदर, अल वालिद औसत अब वाबिल जन्ना फैन शेखा वादे जालिद अल बाब। अब एक कसम फरमाया जो बंदा चाहता है मुझे हसन को प्रोटोकॉल मिले, और प्रोटोकॉल क्या? मुझे जन्नत के सबसे सेंट्रल गेट, सबसे बड़े गेट से गुजारा जाए, उसके दामन में नेकी क्या होनी चाहिए, आका नमाज होनी चाहिए, आका रोजा होना चाहिए, आका हज होना चाहिए, आका जो है ज़कात होनी चाहिए। फरमाया नहीं, इन नहीं, इस नेकी की वजह से बड़े दरवाजे से तुम्हारा गुजर नहीं होगा, ना नमाज से, ना रोजे से, ना हज से, ना ज़कात से, ना सखावत से, ना सदकात से, आका क्या? फरमाया बस अपने बाप को राजी करो, इसका बाप राजी होगा, वो जन्नत के बड़े दरवाजे से गुजरेगा। बड़े बाप राजी हुआ तो जन्नत के बड़े दरवाजे से गुजरेगा। जन्नत इब्न ने कौन फरमा दिया, रिदा रब फी रिदा वालिद व सखत रब फी सखत वालिद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब को मनाने के लिए ढूंढते हैं बलियों को, ढूंढना चाहिए, लेकिन ये तेरे घर में भी एक गेट मौजूद है, जो राजी हो गया तो अरशों वाला रब राजी हो जाएगा। मेरे नबी ने फरमाया मेरे साहबा कोई जानना चाहता है कि उस पे अल्लाह राजी है कि नहीं? आपका कौन नहीं जानना चाहता, लेकिन अल्लाह कहा हम कहा, वो दुनिया में तो नजर ही नहीं आता। फरमाया मैं बताता हूँ तुम्हें तरीका, जो लगाएगा उसे पता चल जाएगा कि मेरा रब मेरे ऊपर राजी है या नाराज है। आपका किस तरह? फरमाया इधर रब फिर इधर वालिद बस का तो रब बस का दिल वालिद। फरमाया जो देखना चाहता है मेरा रब नाराज है क्या, मेरा रब राजी है, वो अपने बाप को देखे, अगर उसमें बाप नाराज है तो उसका खुदा भी उसमें नाराज है, अगर बाप राजी है तो उसमें रब भी राजी है। पैसे जब बंदा कमाने लगता है माँ प्यो से छुपाता है, अमीर और बदल जाते, बीवी के लिए हर चीज हासिल और माँ के लिए छुपाता, बाप के लिए छुपाता, पता ना चल जाए। आपका एक कॉलेज की बजम आ गई, एक बंदा गया सरकार की बजम, अर्ज करता है आका मैं अपने अब्बा जी की शिकायत लेके आया। पूछा क्या? आका मेरे पैसों की मुझे धन जरूरत होती है, मेरा अब्बा मुझसे पूछे बगैर ही निकाल लेते, पर मैं बुला के ला अपने अब्बा जी को। क्या बाप से कहते हैं आप जो सरकार बुलाते? बाप ने रास्ते में पूछा क्या कहा, क्या कहा तूने सरकार? कहते तुम्हारी शिकायत लग रही किस बात? उसने कहा पैसे नहीं निकालता मेरी जेब से, मुझे आप जरूरत होती है। बुरा बाप था, आंखें कट गई, आंसू जारी हो, दिल ही दिल में शेर कहने शुरू, ये अरबों की शान, अशआर अरबों की शान, दिल ही दिल में शेर कहने शुरू कर दिए। रोते रोते सरकार की बजम भी आ गई। अभी सरकार की बजम में पहुंचा ना तो सरकार ने फरमाया मुझे ये बता वो अपने दिल में क्या सोच के आ रहा। अपने दिल में क्या सोचता था और आंखें फूटी आता, मैंने तो भी कयामत का दिन को नहीं बताया, अपनी बीवी को नहीं बताया, अपनी जुबान पे नहीं लाया, आपको किसने बताया? फरमाया तू बाद में आया, जबरील पहले आया, मेरे अंदर तेरा मिलाया। अल्लाह फरमाता है महबूबा फैसला बाद में करना, पहले इसके अंदर की बातों को सुनना। बता क्या कहता था? आका मैं दिल में सोच जा रहा था, मैं कहता हूँ पागला पैसों की खातिर सरकार से स्पेल लगा दी, मैं तो ये पैसे सारा दिन रोड़ी कूट के रात को ला के तुझे खिलाना अपना ईमान समझता था, मैं तो तुझे जब तू रोता था तो मैं रोटी का लुकमा अपने गले में नहीं उतारता था, आज तूने बड़ा होके ये काम किया, मैं तेरी पदाइशें करता रहा, तू कब बड़ा होगा? तू बड़ा होता गया, मैं पूरा होता गया,
तेरी हड्डियां मजबूत होती गई, मेरी कमजोर होती गई, तेरी कमर सीधी होती गई, मेरी कमर टेढ़ी होती गई। भाई इससे तो अच्छा था तू मर जाता, मैं हमसाये की खिदमत करता। तूने पैसों की खातिर मेरी शिकायत अल्लाह के नबी से लगा दी है, आपको शेर पड़ रहा है, वह तो हाँ के चेहरे से आंसू बह रहे हैं। भीग गई जमीन, भीगी जमीन, भीगी जब जमीन, तो मेरी सरकार ने फैसला दिया, ना फतवा तेरा, ना फतवा मेरा, ना हजरत का, ना किसी भली का, ना किसी रोश का, ना किसी कुतुब का, ना किसी अम्बाल का, ना किसी मुफस्सर का, ना किसी मुहद्दिस का, ना किसी काजी का, ना ताबी का, ना तबे ताबी का, ना सहाबी का, ना नबी का, ना रसूल का, बल्कि रसूलों के सरदार का आका है। तो ने फतवा दिया, फरमाया निकल जा मेरे दरबार से, अंता व मालू का, ले अभी का, आज के बाद तू भी और तेरा माल भी, ये सब कुछ मेरे बाप का है।